तितली का नाम सुनते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती है। रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागने में हम सबको बड़ा मजा आता था। तितलियां काफी अनोखी होती है। सुबह जब मौसम में नमी होती है तब तितलियां कुछ खास तरह के पौधों पर बिना हिले डुले बैठी रहती हैं। और जैसे ही धूप में थोड़ी गर्मी आई कि ये हरकत में आ जाती है। तितलियां बड़ी नाजुक भी होती है पर प्रकृति की ये एक अनमोल देन है। इसी खूबियों की वजह से जेएनयू के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश को तितलियों से खास लगाव है। तितलियों के साथ वक्त बिताने में इन्हें बहुत खुशी मिलती है। ये एक बटरफ्लाई एंथुजियास्ट है। बचपन से ही तितलियों का पीछा करता रहा हूँ मैं। ये मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। पहले पकड़ करके उनको खुद पता करता था क्या है, आज पकड़ करके कुछ पता करके लोगों को बताता हूँ कि तितली क्या है, ये तितली की क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर। तितलियाँ छोटी बड़ी कई आकार की होती है और इस पर बहुत से डिजाइन भी बने होते हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। रंगों के ऊपर अगर आप देखें तो रंग भी पर्टिकुलर स्पीशीज का मेट ही पहचान सकता है कि ये जो तितली है इसका जो विंग के ऊपर कलर पैटर्न है वो मेरी प्रजाति का है, वो उसी से तभी मेट करता है। तितलियों का नाम भी बड़े मजेदार ढंग से रखा गया है। ब्रिटिश आर्मी के कुछ बटरफ्लाई एंथुजियास्ट थे जिन्होंने तितलियों का भारत के अंदर अध्ययन करना शुरू किया। क्योंकि उनको नाम नहीं मालूम थे तो किसी का नाम कमांडर रख दिया, जो भी आर्मी में होते हैं, किसी का नाम सेलर रख दिया, किसी का ल्यूटिनेंट रख दिया, किसी का कांस्टेबल रख दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठंड के दिनों में तितलियां हिमालय के तराए से पलायन कर मैदानी इलाके में आती है। क्योंकि बटरफ्लाई एक कोल्ड ब्लडेड क्रीचर है, उसको ब्रीड करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। तो जो हिमालय की तराइयों में रहने वाली तितलियां हैं, जैसे मॉर्टल एमिग्रेंट या कॉमन एमिग्रेंट, ये ब्रीड करने के लिए प्लेन्स में आते हैं जहां उनके होस्ट प्लांट भी होते हैं जो हिमालय की तराइयों में नहीं मिलते हैं। भारत में तितलियों की 1439 प्रजातियां हैं, लेकिन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक इनकी तादाद पिछले एक दशक में तेजी से घटी है, जो हम सबके लिए एक फिक्र की बात है। जिस देश में दुनिया की 60% तितलियां रहती हों, वहां इस मासूम प्राणी की संख्या क्यों घट रही है? तितलियों का सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल मार्केट है जहां इनकी तस्करी होती है, हिंदुस्तान से जाती है, ताइवान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, जहां पे इनको फ्रेम करके बेचा जाता है। लेंटाना एक प्लांट है जिसको वीट मान करके लोग हटाते हैं और वो कई बटरफ्लाइज का होस्ट प्लांट भी है। दूसरा आता है आक, जिसको हम मिल्क वीट प्लांट बोलते हैं, उस पर बहुत सारे टाइगर ब्रीड करते हैं। अब उसको भी लोग निकालते हैं, एयर पॉल्यूशन स्पेशली बहुत डेंजरस है बटरफ्लाइज के लिए। हालांकि इसी सिलसिले में दिल्ली के अरावली में एक बटरफ्लाई कंजर्वेटरी बनाया गया है जिसकी देखरेख आयशा बड़ी लगन से कर रही है। और जब हमने शुरू में यहाँ पे सर्वे किया था तो यहाँ पे सिर्फ 15 स्पीशीज थी उस वक्त यहाँ पे, लेकिन अब जो है यहाँ पे बढ़ कर 102 तक पहुँच गई हैं। यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज है और वो अपनी लाइफ साइकिल भी यहाँ पर पूरी करती हैं, यानी कि जैसे कि उन्होंने अंडे दिया, उसमें से कैटरपिलर निकला, फिर प्यूपा बना और प्यूपा के बाद से बटरफ्लाई निकली उसके अंदर। और एक हमने नर्सरी भी बनाई है यहाँ पे, बटरफ्लाई नर्सरी, उसके अंदर हम कैटरपिलर्स रिलीज करते हैं और उसमें से जब बटरफ्लाई निकल जाती है तब हम उसको बाहर रिलीज कर देते हैं। मड पैडलिंग मेल तितलियों में एक खास तरह का बिहेवियर है जो यहाँ आप देख सकते हैं। उनको अपनी सॉल्ट की और वाटर की कमी पूरी करने के लिए होती है। आप देखेंगे कि वहाँ पर कभी कभी वाटर के उसमें बैठे हुए सैंड के ऊपर बहुत सारी आपको बटरफ्लाइज मिल जाएंगी सक करते हुए, और इसके अंदर आपको ज्यादातर येलोज बटरफ्लाइज मिल जाएंगी। तितलियों को बचाने से हमें क्या फायदा हो सकता है? लगभग 80% एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट क्रॉप, जिसके अंदर हमारी सब्जियां शामिल हैं, हमारे फल शामिल हैं, जिनका परागण तितलियां करती हैं मधुमक्खियों के बाद। जब हम इनको संरक्षित करेंगे तो नेचुरली हमारी जो यील्ड है क्रॉप की वो बढ़ेगी। अगर तितलियां ना हों तो शायद हम बहुत सारी
जैव विविधता या उनकी प्रजातियों की हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो जंगल में होंगे या वो हमारे आसपास होंगे। तो इन्हें बचाने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? कि पेस्टिसाइड्स हम या इंसेक्टिसाइड्स ज़्यादा स्प्रे ना करें, बटरफ्लाई के जो होस्ट प्लांट हैं उनको ना डिस्ट्रॉय करें, उनको पिनअप ना करें, स्मगलिंग जहाँ हो रही है उसको चेक करें और लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, स्पेशली गांव के लोगों में कि ये तितलियां हैं, ये काम की हैं और इससे आपके यहाँ परागण होता है, जो आप फल फूल जो उगा रहे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान। हम चाहे तो हर नेशनल पार्क और हर सेंचुरी में इवन हम एक छोटा सा कॉर्नर हम बटरफ्लाई कंजर्वेटरी के लिए भी बना सकते हैं। घर पे आप शुरुआत कर सकते हैं तितलियों के संरक्षण की। जब आप नींबू लगाएंगे तो आपके घर में कॉमन मोरमोन बटरफ्लाई आएगी, जब आप करी पत्ता लगाएंगे तो आपके घर में कॉमन जे तितली आएगी, अगर अरंडी का आप लगा देंगे तो आपके घर में कॉमन कैस्टर आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो ऑर्नामेंटल वैल्यू भी रखते हैं और बटरफ्लाई के लार्वल होस्ट प्लांट भी हैं। तो घर से शुरुआत करिए, ये एक क्रिएटिव आर्ट को भी जन्म देती हैं। तो इनके संरक्षण से ही हमारा मानव जीवन जो है प्रगति करने में बहुत सक्षम हो पाएगा। तितली हमारे लिए कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है जो हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने में भी मदद करती है। इसे बचाने के लिए सरकार को तो कदम उठाना ही पड़ेगा, साथ ही हम भी इस कड़ी का एक हिस्सा बन सकते हैं। नहीं तो दुनिया की एक खूबसूरत और मासूम जीव की एक झलक देखने को हम तरस जाएंगे।